बाबा साहब के जीवन चरित्र, जीवन परिचय से मालूम पड़ता है कि बाबा साहब दुनिया के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बावजूद भी उन्होंने अपना आदर्श अपना गुरु कबीर को माना था। तो नहीं सर, मेरा मानना है मेरा मानना है अगर ये होते तीन हो तो हमारा समाज बहुत आगे बढ़ता। नहीं, मैं बात वही कर रहा हूँ जी, उसी मुद्दे मेरे क्वेश्चन पे सर, लंबा हो जाएगा। तो नहीं, बाबा साहब ने कबीर को आदर्श माना था जी। तो बाबा साहब ने भी एजुकेट की बात की थी, हम हो तो रहे क्वालिफिकेट जी, हम एजुकेट हुए ही नहीं। ओनली फॉर सर्टिफिकेट, सामाजिक मानवीय ज्ञान, और सामाजिक मानवीय ज्ञान नहीं है तो भड़वे पैदा होंगे, दलाल पैदा होंगे, तो वकील कहाँ से पैदा होंगे और ना इंजीनियर पैदा हुए। बाबा साहब ने उस चरित्र की बात की थी जिस चरित्र को खुद जी रहे थे जी। ऐसे चरित्र को जीने वाला आदमी अगर इस देश में होता तो डिमोशन नहीं होता, आरक्षण पद्धति समाप्त नहीं होती, और आरक्षण पद्धति समाप्त नहीं होती, और ये जो SC ST एक्ट जो समाप्त किया गया है ये नहीं होता, मतलब उसको निष्क्रिय किया गया है। तो भड़वों की फौज हो गई है, अंबेडकरवादियों की फौज नहीं है, एक अंबेडकरवादी काफ़ी है देश बदलने के लिए। सर, आगामी योजना क्या रहेंगी सर आपकी इस झंझट को लेकर? देखिए, हालांकि मैं तो बहुत तुच्छ सा आदमी हूँ, लेकिन ये मेरा प्रयास ये है कि किसी ने कहा है अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिया जमाने के लिए, और किसी ने कहा है कि कांच के सिक्कों का बाजार में खोना ना खोना क्या है, बेवजह जिंदगी के बोझ को ढोना क्या है, जो ना सका इंसान इंसान के काम उस इंसान का होना ना होना क्या है, जो आदमी अपनी मौत तय कर लेगा, मौत कैसी, लोग कहें कि मर गया अच्छा हुआ, ये मौत ऐसी, सारी दुनिया आपकी मौत में शामिल हो, कितने लोगों की आंखें नम हो जाए आपके मरने के बाद, जो अपनी मौत तय कर लेगा वही देश बदल देगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ। धन्यवाद सर।